है, बहुत अच्छा लग रहा है और आई एम हैप्पी दैट आई एम हियर टू लॉन्च दिस ट्रेलर गुजरात के साथ और गुजराती फिल्मों के साथ मेरा एक रिलेशन है क्योंकि वहाँ हमारे NY के काफ़ी सिनेमाज हैं, 13 स्क्रीन्स इन 4 सिटीज़ ऑल्सो. वहाँ पे हमारा एक सोलर प्लांट भी है, सो एक पुराना रिश्ता रहा है और गुजरात में हमारी फिल्में भी बहुत अच्छी चली हैं. सो थैंक यू सो मच टू एवरीबडी एंड दैट्स दैट. लवली, थैंक यू सर. कुमार जी एंड सिद्धार्थ जी, आपसे पूछना चाहता हूँ, किसने किसको कॉल और मैसेज किया सबसे पहले कि चलो पिक्चर बनाते हैं? ऐसी बात नहीं थी, वी जस्ट हैपन टू मीट और कुमार जी को पता नहीं, शायद हमारी पहली मुलाकात थी. तो फर्स्ट टाइम व्हेन वी मेट ही सेड ये कोई प्रोड्यूसर मुरली आके गया है, सिद्धार्थ रंदेरिया. तो मुरली से नहीं सर, वो प्रोड्यूसर नहीं, वो एक्टर है एंड ही ऑल्सो प्रोड्यूसेस. बट एनी वे, वन वंडरफुल थिंग विच आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल ऑफ यू इज दैट, यू नो जनरली यू आर ऑल कनेक्टेड विथ फिल्म, सो लाइक मूवी डिसाइड करने में महीने लग जाता है, सालों, कई कई का तो एक्सपीरियंस है कि सालों के सालों तक इट डजेंट रोल और इट डजेंट टेक ऑफ. हम लोगों की मीटिंग हुए ओनली फॉर 7 मिनट्स, दैट्स ऑल. 7 मिनट में कुमार जी ने कह दिया सर करते हम ये फिल्म एंड एवरी थिंग, लाइक ई सेड ओके जस्ट गो अहेड एंड दैट्स हाउ वी वेंट अहेड. एंड थैंक यू सो मच फॉर द फेथ फेथ विच ही पुट ऑन अस एंड वी हैव जस्ट ट्राइड टू डिलीवर. And thank you, Ajay ji, for being here. It gives us a real boost for regional cinema as well. Not at all. Kumar ji, 7 minutes mein aise kya discussion hua before we show the trailer? Siddharth bhai ne mujhe 3 minutes mein kahani sunai ki ye kahani ka idea hai. Agle 2 minutes mein humne gossip ki, agle 2 minutes mein deal ki. क्या नहीं चलेगा, अच्छा ये चलने जैसा, ये करते हैं. नहीं नहीं, मेरे को तो वो 2 मिनट की गॉसिप जानने में इंटरेस्ट है. जब आप लोग ट्रेलर देखेंगे तब मैं कुमार जी के बगल में बैठने वाला हूँ. लेकिन सर, विथ योर परमिशन, आप बस एक बार बोल दीजिए लाइट्स ऑफ तो ट्रेलर दिखा सकते हैं. थैंक यू सो मच अजय जी. चलिए फिर ट्रेलर देखते हैं, लाइट्स ऑफ. मैंने ये ट्रेलर पहले भी देखा हुआ है. आज पहली बार नहीं देख रहा हूँ और बहुत अच्छा है. एंड सबसे बड़ी खूबी स्पेशली गुजराती सिनेमा में भी होती है कि यू नो ह्यूमर इतना अच्छा होता है और उसके साथ फिर एक फैमिली इमोशन जो आता है वो बहुत खूबसूरत है. दैट वीविंग इज वेरी नाइस एंड इट्स ग्रेट, लवली. सिद्धार्थ भाई, शू कहूँ तुम्हारे ट्रेलर ना विषय? हूँ तो वधारे शू बोलू, आई एम वेटिंग लोको शू कहे छे ए वधारे इम्पोर्टेंट छे. But I'm very hopeful, since this is the foray in Gujarati for Panorama, to Kumar ji je vishwas mukyo chhe ane bahuj mehnat thi aa film banavi chhe ame lokoe. The writer Vinod Sarvaiya is also here. Vinod, please take a bow. And I always give credit first to the writer because that is the inception point of any film, and then the director, and of course after that the actors. So we have all put in a whatever best efforts we can put into this, and I hope the people appreciate that. Kumar ji, aapki aur Ajay ji ki dosti ke bare mein bataiye. Aapke kehne par aa gaye aapke dost trailer launch karne before Ajay sir has to go somewhere. Hamare relation 40 saal se hai, lekin trailer ko invite karne ke liye maine unko nahi bulaya, Murli ne bulaya hai. Aur ye bulane ke liye special London aaya hai. To unhone mujhe bola ki Ajay ko bulana, main nahi bolunga, aap aake bolo. तो ये फ्लाई फ्रॉम बॉम्बे से लंदन जाके इन्होंने रिक्वेस्ट की है और उन्होंने एक ही मिनट में हाँ कर दी है. थैंक यू अजय जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर फॉर कमिंग. थैंक यू सर. अजय सर को कहीं जाना है, सो ही विल टेक अस लीव. थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग. बहुत बहुत अप्रिशिएशन. थैंक यू वंस अगेन द होल टीम. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. चलिए पहले डायरेक्टर सर से बात करते हैं. मनन भाई, कास्टिंग केवी इतना थई, कौन सौथी पहला तमारा मगज में आयो के कोने कास्ट करो जे केवी इतना वधा एक साथ आया ने पछि शूटिंग की शुरुआत थी? ऑब्वियसली जारे कास्टिंग ની વાત હતી ત્યારે પહેલા સિદ્ધાર્થ ભાઈ ને જ વાર્તા સંભળાઈ એન્ડ લાઈક જારે રાઇટર્સ ની સાથે મે બેઠા ને જારે મે ડિસ્કશન કર્યું ઇન 5 મિનિટ્સ હી સેડ્સ ધીસ ઇઝ ધમાલ, મતલબ આપણે કરીએ આને, ચલ ચાલુ કર બસ, હવે વધારે વેટ નહીં કરીશ. એન્ડ everything then went organically, matlab
બધાના કોઈ પણ એમ સેકન્ડ ઓફ થોટ હતા જ નહીં કે આમની જગ્યા બીજા કોઈને લઈએ એવું નહીં, નથિંગ. વી આર લાઈક ઓન સેમ પેજ ફ્રોમ લાઈક ડે વન, એન્ડ આઈ થિંક વી હેવ અ ફેબ્યુલસ કાસ્ટ. લાઈક એવરી વન ઇઝ લુકિંગ સો ગુડ એન્ડ આઈ એમ સો હેપી. ઇટ્સ લાઈક એન આવર ફેમિલી નાઉ. થેન્ક્સ ફોર ઇન્ક્લુડિંગ મી ઓલ્સો. અરે નહીં સર. પણ સિદ્ધાર્થભાઈ પાછું વરઘોડીઓ ચડવું તું, ઘોડી ચડવી હતી એટલે શું કસર પૂરી રહી ગઈ હતી વખતેના લગ્નમાં કે આપણે પાછું? This is something वो आदमी को कभी मना ही नहीं करेगा ना इसके लिए. हाँ, जितनी भी बार हो. एंड ही लर्न्स एवरी टाइम न्यूअर थिंग्स. दैट्स ऑल. सुनेर तुम्हारे तुम्हारा वक्त जरे तमे आईवा पिक्चर में तो क्या क्या तुमने जे फ्लर्टेशियस अंदाज तमे गई में तुमने लग्यो यार मारा वक्त पण आऊ थियो तो मजा आवी गयो मने आवी इतना कोई कहीर गो इम्प्रेस तो मने मजा आवी गई होत ना मने आवी इतना ज इम्प्रेस कर. ओहो तो तुम्हारी रियल स्टोरी जे आ. So I didn't have to rehearse. It came out very naturally. And of course, working with Siddharth sir was an absolute pleasure. Jare pehla Manan sir e kidu ke avi ritna aa cast che. And it was like, bas, it's a dream cast to be with and work with. It was lovely to see him perform, observe, and learn so much from him in the process. So eternally grateful. Thank you. Pooja, tamara ate su highlight hato ke tame kidu ke aa mare karvi che picture hu chhodi nahi sakti. When I read the script first, the script was very good. It was very catchy. એટલે સૌથી પહેલા તો script and secondly the cast. Of course, to work with Siddharth sir is a dream come true. મારા ઘરે બધા જ સિદ્ધાર્થ સરના બહુ મોટા ફેન્સ છે. And I personally have been following his theater plays and everything. So I really wanted to work with him and I got the opportunity. And of course, Panorama Studios was associated with it. So that was also a very big thing. એટલે the whole team came together and that was the main decision for me to take up. Jo aapne fan ki baat ki, I think Siddharth sir aap wo aloo hai jo sab ghar pe pasand aate hain. Isliye to dialogue dala hai na wo aloo wala. Mujhe aisa lagta nahi ki sab cheez mein badh jate hain. Gujarati koi bhi ghar mein Siddharth sir ko koi pasand na karta ho, mere ko aisa lagta hi nahi hai. Aisa ho hi nahi sakta mere ghar se, mere ghar ke alawa. Parikshit aapke liye, what was the reason aap bole ha chalo ye movie karni hai mere ko? रोमांटिक एंगल था, गाने वाने हैं थोड़े रोमांटिक. जैसे कि सबने बोला, बहुत आपको कॉपी पेस्ट आंसर मिलेगा क्योंकि वो रियलिटी भी है कि यार अगर आपके पास पहले इतनी अच्छी स्क्रिप्ट आए, सिद्धार्थ सर पैनोरमा ऐसा कॉम्बिनेशन आपको मिले और ये ऐसा रोल है जिसमें मुझे सब कुछ करने को मिला है. पापा के साथ की जो केमिस्ट्री है वो बहुत बढ़िया है, जो लव इंटरेस्ट है उसके साथ जो केमिस्ट्री है वो भी इतनी मस्त है, एंड द डायरेक्टर एंड द प्रोडक्शन हाउस एंड सिद्धार्थ सर, एवरीथिंग वॉज जस्ट अमेजिंग. तो ऐसा तो कोई मना कर ही नहीं सकता. ऐसा हॉट डॉग था जिसको कोई मना कर ही नहीं सकता. सिद्धार्थ सर, व्हेन यू आर अराउंड, आप जब रहते हैं सेट पे, कितना लोगों के लिए मुश्किल होता होगा सीरियस रहने का? कुछ आई एम श्योर एक दो सीरियस वाले सीन भी होंगे. सीरियस वाले सीन है ऑफ कोर्स, बट वी गो अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ द सीन एंड वेल आई ट्राई एंड मेक इट एज कंफर्टेबल विच हेल्प्स यू नो एंड इट शोज ऑन द स्क्रीन एज वेल. तो जिसके साथ जिस जैसी भी केमिस्ट्री करनी है, बट वी वर वेरी कंफर्टेबल फ्रॉम डे वन, दैट्स फॉर श्योर. और सोनाली जी के साथ भी मेरे इंटीमेट तो नहीं, पर कुछ हाथ वीत पकड़ा है मैंने एंड शी डिडंट माइंड दैट. तो नहीं, मज़ा आया. बट द होल थिंग इज़ अबाउट दैट, एनी मूवी फॉर दैट मैटर, द टीम वर्क मैटर्स. और आई वुड स्पेशली वॉन्ट टू मैंशन इज़ दैट कि प्रोड्यूसर का रोल वैसे दिखता नहीं है पर बहुत बड़ा होता है. यू नो, टू गिव अ फ्री हैंड एंड हैव फेथ इन द टीम हु इज एग्जीक्यूटिंग द मूवी फॉर हिम. कुमार जी तो वहाँ शूट पर भी नहीं आए थे, सिर्फ मुहूर्त के लिए जो पहला दिन था तब आए. उसके बाद में 30 दिन जब हमने शूट किया, बट सो हैविंग दैट फेथ एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर दैट. सो बोथ, आई होप आप भी खुश हो. बहुत खुश हूँ. थैंक यू वेरी मच. नॉर्मली फिल्म बन जाती है, लोग एक एक साल वेट करते रहते हैं, लेकिन पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने दिन रात काम करके फिल्म रेडी की है और 30 अगस्त को पिक्चर रिलीज हो रही है. सर, आपने जो 2-3 मिनट डिस्कशन किया और अब जो ये 2.5 मिनट का ट्रेलर देख रहे हैं आप, ये 3 मिनट्स टू 2.5 मिनट, ये आप जो सोच के दिमाग में रखा था कि कैसे पिक्चर बनने वाली, वैसे कुछ बनी है आपके हिसाब से? बिल्कुल जैसी सोची थी वैसी बनी, उससे बेटर बनी है. उससे बेटर बनी, लवली. 30th August को रिलीज हो रही है ये वर्ल्ड वाइड. बिफोर वी थ्रो टू प्रेस टू आस्क क्वेश्चन, थोड़े डायरेक्टर साहब को ऐसा असमंजस वाले सिचुएशन में डाल दूंगा. बोली बोली बोली. किसके साथ सबसे बेस्ट सीन्स हुए? मतलब इसको किसी एक एक्टर को ऐसा होगा ना कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, आप कैमरा छोड़ देते, जो करना है करो. जूनियर्स.
सो ये माहौल नहीं नहीं ये चार में से नाम लेना है ये माहौल होता है जी जब सिद्धार्थ सर सेट पे होते हैं ना तो यही माहौल होता है इतनी हंसी इससे ज्यादा हंसी होती है और एक्चुअली सबके साथ मजा आया मतलब नहीं नहीं ऐसे नहीं नहीं ये एबीसीडी में से एक ही ऑप्शन करना है नो 50-50 नो जनता पोल नहीं नहीं ये मेरा एबीसीडी 1 2 3 4 सब है ये लोग फिर भी एक और वैसे एबीसीडी इन्होंने ही एडिट किया इसलिए तो मैं बोल रहा हूं सर इनको ऑप्शन में वही दे रहा हूं ये मेरी बद्री की भी दुल्हनिया है मेरे हमटी की भी दुल्हनिया है सब लोग यही है ये फैमिली है जेन्युइनली सबके साथ इतना मजा आया जी और मतलब एक्चुअली इट्स लाइक अ फैमिली अभी हर चीज उनको होता है कि नहीं आप बताओ क्या करना है एंड इक्वली इम्पोर्टेंट इज कि एक्टर्स को कैसे लगा डायरेक्टर के साथ वो भी उतना इम्पोर्टेंस है एंड आई मस्ट से आई एडमिट इट पब्लिकली दैट वेरी 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 सॉर्टेड एंड चिल्ड आउट डायरेक्टर बहुत मजा आया हमें दरवर बहुत सारे टेंशन चलते ही रहते हैं कोई भी शूट हो कितना भी चाहे प्लान कर लो कुछ ना कुछ पीछे होते ही रहता है बट विच नेवर शोड ऑन हिज फेस और वाइल ही सेट टू ईट इट नेवर शोड द टेंशन बट एवरीथिंग वेंट ऑन वेरी स्मूथली एंड दैट्स क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर एज वेल एंड द डीओपी ऑल्सो आई मस्ट मेंशन द डीओपी विकी विकी इज हियर Yes, yes, Vicky. Great job by you as well. Thank you so much. Before again, last question. कौन क्योंकि इसमें एक scene है जहाँ पर बोल रहे हैं कि selfie के लिए लोगों को भी भाड़े पे ले आना है. कौन सबसे ज़्यादा phone पे रहता था? बोल दो. मतलब एक जन तो ऐसा होगा ना कि एक second एक phone message करके कुछ आता हूँ फिर take करते. Any day सबका एक ही answer होगा आप किसी को भी पूछो पूजा. चलो एक कंट्रोवर्शियल अपने को मिल गया नाउ ओपन टू प्रेस थैंक यू एनीबॉडी जो कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है प्लीज रेज योर हैंड माइक मैं आपकी तरफ हाँ सो वहां पर एक है हेलो बॉम्बे में पिक्चर बड़े स्केल पर रिलीज हो रही है जैसे गुजराती फिल्में होती है उससे ज्यादा थिएटर मैक्सिमम थिएटर में हम रिलीज कर रहे हैं 23 तारीख की डेट है और रक्षाबंधन है छुट्टी है तो हम अपनी तरफ से पूरी ट्राई करेंगे फिल्म को जिस बड़े स्केल पर रिलीज कर सकें हाय सेंटा या मयूरिया फ्रॉम बियॉन्ड बॉलीवुड इफ यू ऑल कैन सी माय हैंड सबसे पहले तो आई थिंक आप सबको कांग्रेचुलेशंस और एज अ मुंबई कर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई गुजराती कंटेंट बहुत कम देखने को मिलता है और आई थिंक बीइंग अ जर्नलिस्ट आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू वॉच सम रियली गुड फिल्म्स स्पेशली इन फेस्टिवल्स और शायद पिछले 7 साल में शायद 2-3 गुजराती फिल्मों को नेशनल अवार्ड्स मिला है आई थिंक हिलारो है और ऑस्कर के लिए भी जैसे लास्ट ईयर छेलो शो गई थी और देर वॉज ऑल्सो द गुड रोड जो शायद 2013 में इट वॉज इंडियाज ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन सिद्धार्थ जी ऑब्वियसली यू आर अ वेटरन ऑफ गुजरात गुजराती फिल्म इंडस्ट्री या थिएटर इंडस्ट्री खैर सबसे पहले तो मुझे आपसे जानना था कि हॉट डॉग के अंदर तीखा सेव डालने के बाद उसका स्वाद कैसे रहता है बढ़िया होगा तभी डालते होंगे ना आई अवॉइड मैं तो नहीं खाया हूँ बट जैसे बोला गया वैसे मिलता भी है ये दिस इज अवेलेबल या यू कैन ऑप्ट फॉर दैट ओके ओके ये सिर्फ हॉट डॉग नहीं है कोक में भी सिंग डालते हैं क्या बात कर अरे दैट्स अ स्पेशलिटी ऑफ राजकोट कोको कोला में सिंग डाल के पीते हैं लोग ओके आई थिंक ये मुझे भी कभी ट्राई करना पड़ेगा बट ऑब्वियसली ऑन अ सीरियस लेवल यू नो जो मैंने जैसे गुजराती फिल्मों का जिक्र किया और शायद पिछले एक दो साल पहले एक और एक अच्छी फिल्म मैंने देखी थी 21 टिफिन मो टिफिन यस तो जब मैं इन फिल्मों को देखता हूँ तो ऑब्वियसली एक तो ऑब्वियसली मुझे एक एडुकेशन मिलती है उस प्रांत के बारे में और कहीं ना कहीं लगता है कि आई थिंक शायद ये फिल्में इसलिए चलती है हार्डली विदाउट मच मार्केटिंग बट ये अपने कल्चर से रूटेड होती है और क्या अगर आप मुझे एक ओवरऑल अगर आप एक आपके एक्सपीरियंस में क्या गुजराती सिनेमा हमेशा ऐसा ही रहा है इस पर कुछ कह सकते हैं नहीं इनफैक्ट देर वॉज एन ईरा बिफोर 12 ईयर्स और सो जो आप बोलते हो कि गुजरात की धरती से जुड़ी हुई कहानियाँ या कल्चर से जुड़ी हुई तब एक पूरा दौर था जब वैसी फिल्में काफ़ी ज़्यादा बनती थी बट सिंस लास्ट 12 ईयर्स देर हैज बीन अ बिग शिफ्ट वी आर टचिंग मोर अर्बन सब्जेक्ट्स डाइवर्स सब्जेक्ट्स यू विल फाइंड इन गुजराती और वन मोर इन्फॉर्मेशन विच आई कैन गिव इज सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट गुजराती फिल्म देर वॉज अ फिल्म कॉल्ड वॉश जो गुजराती में बनी एंड कुमार जी हैज जस्ट रिटर्न टू 3 डेज बैक फिनिशिंग वॉश इन हिंदी
दे हैव शॉट इट इन लंदन, लंदन में शूट किया एक महीने का और थोड़ा ज़्यादा उससे, और अजय जी इज़ प्लेइंग द लीड अलॉन्ग विथ माधवन एंड द हीरोइन फ्रॉम द गुजराती फिल्म इज कंटिन्यूड इन हिंदी एज वेल. सो इस तरह से जानकी बोड़ी वाला. तो कुमार जी इज़ नाउ फुल थ्रोटल इन टू गुजराती, गुजराती तो हिंदी, तो मैं भी लाइन में खड़ा हूँ सर, हिंदी का कुछ होगा बोल देना. आप रेडी हो जाइए, टाइम निकालिए, आपके पास वक्त नहीं है. पूजा, ऑब्वियसली योर यूथ एंड हाउ डू यू लुक एट द करंट गुजराती सिनेमा. आई फील द काइंड ऑफ कंटेंट दैट इज कमिंग अप दीस डेज, द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट आर बीइंग मेड, आई डेफिनेटली फील दैट द गुजराती इंडस्ट्री इज गोइंग टू गो अप. देयर इज सो मच ऑफ डाइवर्सिटी नाउ, पीपल आर एक्सपेरिमेंटिंग. There are new people from Hindi industry also coming into Gujarati industry to work with us. So I feel that's a very big achievement in altogether. And I just hope that the kind of films that are being made, usse Gujarati industry apni upar hi jaye. Aakhri sawal Siddharth ji, aisa mana jata hai ki Gujarati community ke paas bahut paisa hai. क्या ये पैसा गुजराती इंडस्ट्री में भी भर भर के लग रहा है या अभी भी? हमने भी ऐसे सुना है गुजराती होते हुए. ये बात वहाँ तक भी पहुँचाएंगे प्रोड्यूसर तक. सो व्हाट वर यू एग्जैक्टली वांटिंग टू नो इन टर्म्स ऑफ स्केल? स्केल आई टेल यू व्हाट, स्टिल आई वुड से इट्स इन इन्फेंसी, मतलब शुरुआत है अभी भी. द वे इट शुड ग्रो इट विल टेक टाइम, बट वी आर ऑन पाथ टू दैट. अभी भी फिल्में जो बनती है उसका एक बजट कंस्ट्रेंट है और पब्लिसिटी का भी एक कंस्ट्रेंट होता है. हालांकि गुजराती, गुजरात एज अ स्टेट इज़ अ एफ्लुएंट स्टेट, तादाद बहुत बड़ी है, मोर देन 6 करोड़ पीपल, और ओवरसीज में बहुत यूज है. बट आई फील कुमार जी वो मार्केट जितनी चाहिए उतनी हम लोग टैप नहीं कर पा सके हैं, तो उसके लिए आपको तो कुछ करना चाहिए. फर्स्ट इनिशिएटिव शुड बी फ्रॉम यू. या अपना ये फिल्म से शुरुआत कर रहे हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि ओवरसीज में मैक्सिमम लोगों तक की पिक्चर पहुंच सके. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट चेंजेस द एंटायर गेम इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एज वेल. क्योंकि जिस तरह पंजाबी इज ऑल सेट नाउ, दैट हैज रीच्ड टू अ पॉइंट, सो दैट्स व्हाई यू हैव बिगर बजट फिल्म्स हैपनिंग इन पंजाबी. सो अगर ऐसा गुजराती में हो तो बहुत बड़ा डायस्पोरा है गुजराती का, USA, ऑस्ट्रेलिया, UK, सो दीज आर बिग मार्केट्स, ईस्ट अफ्रीका, तो अगर वो हम लोग टैप करें तो काफ़ी बहुत फ़ायदा होगा. ये मीडियम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे डायस्पोरा में जितने गुजराती भाई बहन लोग हैं जो देख रहे हैं, उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि थिएटर में जाके पिक्चर देखिए प्लीज. सही है, अगर आप थिएटर में जाके पिक्चर देखोगे तो हमको थिएटर में लगाने में और मजा आएगा. सही है. आई हैव विटनेस्ड सो मेनी पीपल दैट दे आर सेइंग दैट हम मतलब वहाँ पे तो हमारे यहाँ पे OTT वहाँ तक पहुँचती भी नहीं होगी गुजराती सिनेमा की, तो वो सब पायरेसी कर से देखते हैं. बट अगर वो अगर थिएटर में जाना शुरू करें, आप देखिएगा हम किस तरह से उनको वेलकम करते हैं थिएटर में और थिएटर में पिक्चर लगा. नो, दैट इज़ वेरी वेरी रेलेवेंट पॉइंट जो मैं हमेशा कहते आया हूँ, एंड इट्स टेकन मी मोर देन 6 ईयर्स, आई रिपीट द सेम थिंग कि लोगों का जितना भी प्रतिसाद जिसे हम कहते हैं द रिस्पॉन्स शुड स्टिल ग्रो मच मोर. अगर हम लोग यहीं से प्रोड्यूसर कमाते हैं देन यू विल ट्राई एंड मेक अ बिगर फिल्म एंड दैट्स हाउ यू प्रोग्रेस एंड यू गेट बिगर एंड बिगर फिल्म्स हैपनिंग इन योर ओन लैंग्वेज. So again, I request the audience to do not wait for OTT release and come and watch it in theaters because we make it for theaters. Hi everyone, I'm Pritesh from the Filmi Charcha. Mera question Siddharth sir se. Sir, on your center, yahan pe. Yahan pe. Inke baad mein. Yeah. Sir, aapne. Khade ho jao. Khade ho jao. Dikh nahi rahe aap. Yahan pe. Wo piche cameras hai. So. सर, आपने गुजराती मूवी में डेब्यू किया गुज्जू भाई दी ग्रेट से, और गुज्जू भाई आपका फेमस कैरेक्टर है जो आपने प्ले से ही बड़ी स्क्रीन पे लाया, एंड अभी आप बैक टू बैक बच्चू भाई एंड देन भूषट टी शर्ट आप देते आ रहे हो, एंड गुजराती हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म भी अभी आपकी है. तो हम फैंस ये चाहते कि गुज्जू भाई 3 कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है, और जिस बंदे ने ये फिल्में बनाई गुज्जू भाई एंड भूषट टी शर्ट, ही हैपन्स टू बी माई सन,
Ishan Randeria. And the credit of my entering films also goes to him, that he initiated the idea ki Gujju Bhai se hum log film banate hain, and that's how, I don't know how many years back. Almost nine years back, we did the film called Gujju Bhai the Great, and it was received very well. And answer to your question should come from him. Gujju Bhai 3 ke baare mein pooch rahe, jo main bhi poochta hoon. Nahin, but a lot of people ask this, or we are very keen, kyunki, you know, people really love the earlier two films as well. So we are hoping ke next year we do Gujju Bhai 3. Thank you. और एक पहले मेरे को एक गुज्जू भाई पे कंप्लीट करना है कि सिर्फ ईशान के लिखने से नहीं होगा, शेफाली मैम भी यहाँ बैठी हैं, उनके बजट अप्रूव करने के बाद ही ये सब काम हो सकता है, सारे कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म करने के. एंड बजट तो अप्रूव हो जाएगा, बट द राइटर हैज टू कंप्लीट द स्क्रिप्ट. एंड विनोद सरवैया, ही हैज ऑलरेडी बीन कमीशन टू राइट गुज्जू भाई 3, एंड वी आर होपफुल दैट ही फिनिशेज इट फास्ट, एंड वी वॉन्ट टू शूट इट by this year end. Yeah, that is him in public. This is the maximum news you could get for Gujju Bhai 3, and this is probably the first time we have spoken so much about Gujju Bhai 3. So it is in offing. Bahut jaldi aayegi. Siddha sir, mera sawal aap se. Here sir. So good to see you sir. Trailer waqai mein bahut lajawab hai. Har line pe punch hai, har line pe aapke chehre pe ek muskurat aati hai. Somebody like Ajay Devgan came and he launched your trailer. कितना प्राउड मोमेंट है आपके लिए, और आप क्या सोचते हैं जब अजय देवगन जैसी शख्सियत आके ट्रेलर को लॉन्च करती है? वेल यू फील नाइस, एंड आई डिड एक्नॉलेज दैट कि अच्छा लगता है, एंड यू नो काइंड ऑफ ज्यादा आईबॉल्स मिलेंगे, पीपल वांट टू सी इट मोर व्हेन, बिकॉज इट बिकम्स पैन इंडिया देन, यू नो, वंस यू हैव अ मेन स्ट्रीम एक्टर डूइंग और प्रमोटिंग योर फिल्म और लॉन्चिंग द प्रीमियर, वो पैन इंडिया प्रेजेंस उसकी हो जाती है. So which is very good for regional cinema. और सिर्फ हमारी फिल्में इसलिए नहीं, और भी फिल्में बन रही है, अच्छी फिल्में बन रही है. एंड इफ दिस हैपन्स टू अदर मूवीज ऑल्सो, इट इज़ ऑलवेज वेलकम, क्योंकि जितना अच्छा नाम बने गुजराती फिल्मों का और जगह में भी, तो वो इट्स वेलकम, ऑलवेज वेलकम. अजय सर ने ना ही सिर्फ यहाँ पे आके सपोर्ट किया है, बट वाइल वी आर स्पीकिंग ही इज़ ऑल्सो अपलोडेड द ट्रेलर ऑन हिज सोशल प्लेटफॉर्म. वंडरफुल, वेरी नाइस. Manan, this is for you. You know, you started your career as an editor. What is the most difficult part to do, being an editor or being a director on the set? Kya mushkil raha aapke liye? Abhi bhi bol raha hu, actually, because of thanks to Murli sir and all, like, jo support mujhe pehle din se unhone diya as a producer, they have given me a full hand, and aisa nahi hai ki sirf wo budgets dekhte hain. He is involved in each and every creative process. He look at it, even Kumar sir looks at it, the trailer, and they give the reactions. So actually as an editor bahut tough hota hai, because kya hota hai, as a editor aapke paas footage aata hai aur aap usko dekhte ho, script dekhte ho, lekin aapke control mein nahi hota aapne kya shoot kiya hai, wo aapka ek third eye hota hai. So as a third eye you give that film a different perspective, so that becomes very difficult. As a director actually it was easy, because as an on the set, as sir knows that I know ke mujhe ye shots lene, mujhe edit mein jaake ye problems hongi, so I'll let take me this shots also. So actually it was actually easy for me to direct. Casting plays a very important part, you know, how this whole journey started. And Siddha sir, on what ground we zero down the star cast? Aap to mahan hai, hum sabko pata hai, aur aapne bahut acha ki ek story bhi de di ki Ajay sir ye Gujarati film ka remake kar rahe hain. I was watching Kumar Mangal sir, how he is reacting, ki ye bolna hai ki nahi bolna hai. Nahi nahi, uska baat apan baad mein karenge kabhi, next press conference mein. Siddharth sir, current us bare mein pucha hi nahi sir, main kuch aur puch raha tha. Puchhe na, puchhe. I'm asking him on what ground he zero down the star cast of the film. Being here and seen lot of things around, तो पहले से ही जहन में था कि ये रोल के लिए ये, जब स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तब से एक डिसाइड किया हुआ था, और वो आसान भी हो जाता है व्हेन यू हैव अ फेस इन फ्रंट ऑफ यू दैट ओके दिस इज गोइंग टू बी प्लेड बाय दिस वन, इट बिकम्स मच इजियर फॉर द राइटर एज वेल एज टू कंसीव, इवन फॉर द डायरेक्टर इट बिकम्स इजियर. तो हमने पहले से ही सोच रखा था कि परीक्षित वुड बी देयर. आई मेट हिम मच बिफोर वी स्टार्टेड द मूवी, अहमदाबाद में मिलते रहते थे हम, एंड आई यूज़ टू टेल हिम दैट समथिंग इज़ इन ऑफिंग, और वो बहुत जल्दी करेंगे.
पूजा ऑफ कोर्स आई हैव सीन हर वर्क, सोनाली जी का भी काम देखा था. इट ऑल हैपेंड विद इन वन डे, जस्ट वन फोन कॉल एंड एवरीथिंग वाज इन प्लेस. तो उस तरह से हो गया. सिद्धार्थ जी, मेरा सवाल आपसे, पहले तो मुबारकबाद आप सबको. थैंक यू. बहुत ही अच्छा है, बहुत फनी है, क्वर्की है और इमोशनल भी है. कनेक्ट जो बाप बेटे का देखा वो बहुत अच्छा था. सो मेरा सवाल आपसे ये कि सिंस हम बात कर रहे हैं पैन इंडिया की, आज अजय सर आया आपका ट्रेलर लॉन्च करने के लिए. सो अगर इस फिल्म को जैसे हम गुजराती में रिलीज होती है, अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, विल यू ट्राई कि आप इसे एक हिंदी में डब करके यहाँ पर रिलीज करें? डब का मुझे पता नहीं है हाउ फार इट वर्क्स, डब की हुई फिल्म. इसी बिकॉज मेनली पीपल वॉन्ट टू सी डब कौन सी चलती है, हम साउथ की डब देखते हैं इस वजह से, बिकॉज दे आर मेड विथ अ ट्रिमेंडस बिग बजट, यू नो, बिकॉज देर इज लॉट बिगर थिंग्स टू सी इन इट विच यू डोंट फाइंड इन रीजनल. तो रीजनल जो छोटी कहानी है उसको डब का कितना, आई वुड नॉट नो, दैट इज देयर फील्ड. बट ये फिल्म पहले अगर बनेगी तो मेरे ख्याल से पंजाबी में बन सकती है. इट्स अ वेरी सिमिलर काइंड ऑफ यू नो सेंसिबिलिटीज एंड इट कैन गो वेल इन पंजाबी. एडिटर भी हाँ बोल रहा है, मेरा एक शायद बेच भी ना दिया उसने कहीं. मेरा एक और सवाल है सर आपसे, क्योंकि हम आज हम ऐसी दुनिया में रहते हैं कि देयर आर नो बॉर्डर्स, देयर आर इंटीग्रेशंस आर हैपनिंग. अजय सर ने खुद ने आरआरआर में एक अच्छा कैमियो, एक दमदार कैमियो किया उन्होंने. सो कैन वी एक्सपेक्ट कि आप अजय सर को, क्योंकि कुमार सर भी बहुत अच्छी इनकी दोस्ती है, तो कैन वी एक्सपेक्ट समथिंग सिमिलर, या आप उनकी फिल्म में या वो आपकी फिल्म में, ऐसे कुछ? बिकॉज़ इट्स हाई टाइम वी शुड. मेरी तो मेरी आई मीन यू डोंट हैव टू आस्क मी, आई एम रेडी. द प्रॉब्लम इज वेदर ही इज रेडी और नॉट, बट वो भी करवा लेंगे. मुरली इज देयर ना, इज द फिक्सर, ही डज एवरीथिंग. कुछ भी रोकता है तो यू हैव टू जस्ट कॉल हिम एंड इट्स डन. सो ही विल डू दैट एज वेल. और जैसा अजय सर ने कहा, ही हैज अ बिग कनेक्ट विद गुजरात ऑल्सो, विद द बॉसेस देयर, द गवर्नमेंट एटसेट्रा. ही हैज अदर इंटरेस्ट देयर एंड सो मेनी स्क्रीन्स देयर, एनवाई सिनेमाज. We had our one trail premiere also there, my previous film Bachubai. And another announcement, shall we go ahead and do for the forthcoming? Sir ji, aap karoge? Achha, okay, toh thoda footage kha leta hoon, matlab kya kya ho sakta hai. Well, on this day again I would want to announce to the press as well as the people around here, and when it goes out to all of the janta, humne aaj hi decide kar liya hai, and we are starting a new film under Panorama banner which will be called Googly. Once again the writer is Vinod Sarvaiya, and it is going to be directed by Dhaval Shukal. He is also here, and of course DOP is going to be Vicky. चल तेरा पक्का हो गया, बोल दिया. सो सर, दिस इज अनदर फिल्म विच इज गोइंग टू जस्ट स्टार्ट रोलिंग बाय 15th ऑफ सितंबर, एंड वी वांट टू फिनिश इट बाय 15th ऑफ अक्टूबर, एंड मे बी रिलीज इन द कमिंग नेक्स्ट ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. अगेन अ वंडरफुल स्टोरी. तो कुमार जी के पास मैं आई एम शबरी फॉर हिम, चक चक के मैं ले जाता हूँ. ये करिए सर, ये करिए. केदार एंड भार्गव जो इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, केदार एंड भार्गव. दैट्स केदार. प्लीज टॉक अबाउट द म्यूजिक सर. कौन सा गाना ये जो ट्रेलर में चल रहा है, मेरे को तो बहुत कैची लग रहा है. यस सर, ये गाना हम लोगों ने लॉन्च किया था आई थिंक 10 days back, और इट इज़ बीन वेरी वेल रिसीव्ड. देर आर 4 songs इन द फिल्म, और अलग अलग जॉनर के, बहुत ही मजे. ऑब्वियसली मैं तारीफ करूँगा वो अच्छा नहीं लगेगा, बट वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि बहुत ही अच्छे गाने बने हैं. BGM इज ऑल्सो राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन इट, अबाउट टू फिनिश, और वो भी बहुत ही अच्छा रोल आउट हुआ है. और शायद द टीम हैज़ प्लान्ड वेरी प्रॉपरली किस तरह से पूरा गाने को कैसे कैसे हम प्रमोट करें, रिलीज करें. सो वेरी सून एक एक गाने आता जाएगा, और वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट. लवली. एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट, बिकॉज म्यूजिक की बात कर रहे हैं, तो राजेश मेनन CEO फॉर पैनोरमा म्यूजिक, एंड ऑल्सो दर्शन शाह हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पैनोरमा स्टूडियोज. Hey!
दिस इज द टीम हू ने तू रिलीजिंग ऑन 30th August एवरीवेयर. थैंक यू गाइज. एक लास्ट फोटो आप और प्लीज भर भर के जाके प्रमोट कीजिएगा मूवी को. भर भर के कलेक्शन चाहिए. एक सेकेंड. आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज द रेस्ट ऑफ द कास्ट एंड क्रू, स्पेशली विनोद भाई. विनोद भाई प्लीज आइए. विकी, विकी प्लीज कम ऑन स्टेज. सुनील जी, सुनील सर, सर विजय सर. एंड अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ, प्लीज पार्थ प्लीज कम ऑन स्टेज. प्रिया, शी इज हेडिंग द मार्केटिंग फॉर द फिल्म. और एक चीज़ ऐड करूँगा, थैंक यू सो मच हमारी गुजराती इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग यहाँ पे सपोर्ट करने आए हैं. ईच एंड एवरी फ्रेंड्स, ईच एंड एवरी पर्सन फ्रॉम द गुजराती इंडस्ट्री, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. आज वर्किंग डे है फिर भी आप मुझे बताया घर से स्पेशली ये यहाँ पे आए. थैंक यू सो मच एवरी वन. टू बैकबोन्स ऑफ आज इज दर्शन बुधरानी हु इज हैंडलिंग द PR, जिन्होंने सब आपको सबको बुलाया है. एंड अंकित फ्रॉम ब्लोहन, they are also here, so they welcome on the stage and I thank them and you're doing an excellent job. That's also a shade of love. That's also a shade of love. But anyway, actually the criteria is that it's a holiday that day. So it's a right time to release a film and तो फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म है, फैमिली एंटरटेनर है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू दैट. એ બધું કહી દીધું ને એને પહેલા. બસ આજ કદાચ આનું અમનું સરનું જે હ્યુમરનું ટાઈમિંગ છે, હું 10% પણ મારામાં આવી જાય ને, ધેન સોર્ટેડ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ.